हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेकर के आ गई हूँ आज के वीडियो में। खेल मनोविज्ञान के अधिगम यानी लर्निंग टॉपिक से वीडियो है या लर्निंग का दूसरा वीडियो है। एंड दोस्तों, डेली बेसिस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस डेली बेसिस बने रहिए। जैसा कि दोस्तों या आप MP बिहार स्टेट का फॉर्म अप्लाई किए ही होंगे, जैसा कि जस्ट इसका एग्ज़ाम थोड़ा भी थोड़ा भी समय नहीं दिया प्रिपरेशन करने के लिए। इसके हिसाब से जैसा कि आप यदि डेली बेसिस में मेरा वीडियो देखे होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप पास हो जाएंगे। बट मेरे साथ डेली बेसिस से बने रहिए, इसी तरह डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी कमियां होंगी सुधार करते रहिए। चाहे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन, चाहे MP TET वर्ग 2-3 हो, चाहे UP TGT PGT UPLT के अदर स्टेट के TGT PGT KVS NVS UGC नेट कोई भी एग्जाम हो, सभी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग, थ्योरी सेशन, MCQ प्रैक्टिस, स्कूल लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज, सभी कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह किसने कहा है, किसने परिभाषा दी है? सीखना क्या है? आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन, यह है लर्निंग की परिभाषा दिए हैं क्रो एंड क्रोने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? तो दोस्तों, जैसा कि थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम और गौण नियम दिए हैं, मुख्य नियम इन्होंने 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसे माइंडसेट का नियम भी कहते हैं, दूसरा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि इसको उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, तीसरा इन्होंने दिया है प्रभाव का नियम, जिसे इफेक्ट या लॉ ऑफ इफेक्ट या माइंडसेट का नियम, सेटिस्फैक्शंस का नियम या संतोष का नियम, ठीक है, प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम, संतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, संतुष्टि का नियम किसे कहा जाता है? तो संतुष्टि का नियम प्रभाव के नियम को कहा जाता है, यानी कि प्रभाव के नियम को संतुष्टि का नियम कहते हैं। यह प्रभाव का भाव प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। यदि कोई भी क्रीड़ा बच्चे को अच्छी लगेगी तो उसका उस पर अच्छा असर पड़ेगा और उसे अधिक सीखने में प्रयास करेगा, ठीक है, यही प्रभाव का नियम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने में कार्य करना, निर्मित करना और कार्यों को ग्रहण करना एक इनमें से सम्मिलित है। तो कार्य करना, निर्मित करना और कार्यों को ग्रहण करना, यह संबंध है मनोरंजन से, किससे है, मनोरंजन से। नेक्स्ट है, शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? तो दोस्तों, किसके उपयोग द्वारा होती हैं? तो शारीरिक संचार गतिविधि कक्षाएं, तो जो शारीरिक शिक्षा का आप कक्षा लेते हैं या PT कराते हैं, ये कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आदेश विधि, क्या होता है, आदेश विधि यानी कमांड मेथड मेन होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आदेश विधि, कमांड मेथड, यह शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाने वाला पद्धति है। विधि विभिन्न शारीरिक क्रियाओं व खेल कौशलों को सिखाने के लिए अध्यापक इस विधि का प्रयोग करते हैं। अच्छी कमांड शारीरिक क्रियाओं को करवाने में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। एंड नेक्स्ट है, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना है। तो दोस्तों, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना है अर्धवृत्ताकार। क्या है? अर्धवृत्ताकार, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एकल रेखा, पंक्ति रेखा, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, इस प्रकार की रेखा बनाए जाते हैं। इस प्रकार के जो, जैसे कि आप PT करा रहे हैं, तो लाइन से खड़ा कर दिए या पंक्ति में खड़ा कर दिए या वृत्ताकार कर दिए या अर्धवृत्ताकार, तो सबसे आदर्श बनावट कौन सा होता है? तो अर्धवृत्ताकार, कौन सा होता है, अर्धवृत्ताकार सबसे आदर्श बनावट होता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा में शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट अर्धवृत्ताकार या अर्धचंद्राकार होता है। शिक्षक द्वारा अपनी समस्त क्रिया प्रतिक्रिया
बच्चों को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वह बच्चों को सेमी सर्कल जिसे अर्धवृत्ताकार में खड़ा करके बैठा कर संबोधित करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षण यानी सुपरविजन का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए किस पे दोस्तों? सीखने की स्थिति में सुधार करने पर, किस पे होना चाहिए? सीखने की स्थिति में सुधार करने पर पर्यवेक्षक का मुख्य ध्यान होना चाहिए, यानी पर्यवेक्षक का मुख्य ध्यान सीखने की स्थिति में सुधार पर केंद्रित होना चाहिए। अधिगम यानी सीखने के लिए व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से पर्यवेक्षक की नितांत आवश्यकता होती है। यह पर्यवेक्षण उन अधिगम सीखने वालों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ साथ उनका सहयोगात्मक ढंग से मार्गदर्शन कर उन्हें नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यवहार में वृद्धि को कहा जाता है, जैसे कि आपने देखा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, जो वृद्धि होती है, उसी को कहते हैं सीखना यानी लर्निंग यानी अधिगम। तो अधिगम क्या है? अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं सीखना। तो यहाँ पर व्यवहार की वृद्धि क्या कहा जाएगा दोस्तों? सीखना, लर्निंग, ठीक है। यानी कि जे हिट कर के अनुसार सीखना उस क्रिया को रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यवहार की उत्पत्ति, वृद्धि, प्रशिक्षण, अनुभव के आधार पर परिवर्तन होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान निम्न में से किसका अध्ययन करता है? जैसा कि आप जानते हैं, मनोविज्ञान को पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। जो वर्तमान में आधुनिक मनोविज्ञान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है, याद रखिएगा। यानी कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। वुडवर्थ के अनुसार सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी क्या खोया? आत्मा खोया, त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर तत्पश्चात चेतना को त्यागा और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संतोष का नियम संबंधित है। तो संतोष असंतोष का नियम प्रभाव के नियम से संबंधित है। किससे? प्रभाव के नियम से संबंधित है। संतोष असंतोष का नियम प्रभाव यानी लॉ ऑफ इफेक्ट को कहते हैं, क्योंकि जिस चीज आपने किसी बालक सीख रहा है उसको आपने शाबाशी दे दी या उसको थोड़ा इनाम दे दिया, तो उसका जो है प्रभाव पड़ता है, उसका और अच्छा से परफॉर्मेंस करने का मन करता है। लेकिन आपने उसको गलत धाड़ या उसको चाटा मार दिया, दंड दे दिया या उसका रुचि नहीं है, तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए इसको संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। यानी कि प्रभाव के नियम के किए गए क्रियाकलापों के प्रभाव में व्यक्ति पूर्णतः प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति को सुख का एहसास होता है अथवा यदि दुख का एहसास होता है तो वह सीखना छोड़ भी सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो थर्नडाइक ने तीन मुख्य नियम दिए थे सीखने के। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी का नियम, जिसे माइंडसेट का नियम कहते हैं, जैसे तैयार होना, यानी कि जैसे खेल के पहले हम वार्म अप करते हैं, तो वार्म अप क्या है? एक लॉ ऑफ रेडीनेस के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरा इन्होंने दिया था अभ्यास का नियम, यानी कि किसी चीज़ का इसको उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अगर किसी चीज़ का उपयोग करते रहेंगे तो वो आपके हमेशा के लिए याद रहेगा, बट जब छोड़ देंगे तो आप धीरे धीरे विस्मित हो जाएंगे। एंड तीसरा दिया है प्रभाव का नियम, जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और संतोष असंतोष का नियम कहते हैं। यहाँ पे कौन नहीं है? तो प्रतिक्रिया का नियम नहीं है आपका, सीखने का नियम, ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, थर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है? तो तीन प्रकार के। कौन कौन सा? तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट या संतोष असंतोष का नियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, टेनिस में फोरहैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोरहैंड में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार के प्रशिक्षक का स्थानांतरण किसका उदाहरण है? जैसे प्रशिक्षक का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक एंड शून्य स्थानांतरण। जिस क्रिया पहले के सीखे हुए क्रिया का क्रिया जो है नए कार्य सीखने में सहायता करे तो सकारात्मक स्थानांतरण, अगर बाधा डाले तो नकारात्मक स्थानांतरण, यदि न बाधा डाले न सहायता करे तो उसको कहते हैं
शून्य स्थानांतरण। यहाँ पे क्या कर रहा है, टेनिस में फोरहैंड ड्राइव सीखने सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन में सहित फोरहैंड में रूपांतरित हो जा रही है, सहायता कर रही है सीखने में, तो क्या हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण, क्या हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा में अध्यापन या अधिगम को मुख्य रूप से तीन अंतर क्रियात्मक कार्य के रूप में देखा जा सकता है, तो कौन कौन सा तीन अंतर क्रियात्मक कार्य के रूप में देखा जा सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा, यानी कि संगठनात्मक कार्यप्रणाली, अनुदेशनात्मक कार्यप्रणाली एंड छात्र सामाजिक प्रणाली, छात्र सामाजिक प्रणाली। सारी शिक्षा के अध्ययन अध्यापक में छात्र सामाजिक प्रणाली होना मुख्य जरूरी है, के अंदर अंतर क्रियात्मक होना, एक संगठन कार्यप्रणाली होना चाहिए, एक अनुदेशात्मक कार्यप्रणाली होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान देखना होगा, क्या देखना होगा दोस्तों, सीखने की स्थिति, उसका हमेशा सीखने की स्थिति पर ध्यान होगा। एंड नेक्स्ट है कौन सा मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है तथा उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां और विकास तथा सीखने की आवश्यकता है, तो यह कौन सा मूल्यांकन है दोस्तों, यह है आपका रचनात्मक मूल्यांकन, सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है, यह रचनात्मक मूल्यांकन आपका होगा। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है तथा उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां विकास तथा सीखने की आवश्यकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को यह भी कहा जाता है, जैसे कि सीखने के वक्र जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सीखने के वक्र, तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक एंड मिश्रित वक्र। तो यहाँ पे अधिक नकारात्मक की बात कर रहा है, तो ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र जो होता है वह कैसा होता है, उत्तल होता है, उत्तल यानी कि उभरा हुआ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, तो क्या है उत्तल, उत्तल वक्र बनता है। और सकारात्मक के नकारात्मक में कैसा, जो सीखने के वक्र हैं तीन प्रकार के हैं, ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र जिसे उत्तल वक्र भी कहते हैं, और दूसरा धनात्मक प्रगति सूचक वक्र जिसे अवतल वक्र भी कहते हैं, तीसरा मिश्रित वक्र। तो ऋणात्मक वक्र में क्या होता है, ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र में कि आरंभ में सीखने की संबंधित जो गति होती है तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है, जैसे कि आप इससे देख रहे हैं कि आरंभ में क्या है, आरंभ में आपका तीव्र है बट बाद में मंद हो गई, ठीक है। इसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कार्य आप सीख रहे हैं उस कार्य के बारे में पहले से आप कुछ जानते रहते हैं, इसलिए शुरुआत में तेजी होता है बाद में मंद हो जाता है, इसे उत्तल वक्र कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तल वक्र कहते हैं। और दूसरा होता है धनात्मक प्रगति सूचक वक्र, पॉजिटिव एक्स से रिलेटेड कर्व, ये इसको अवतल कॉनकेव वक्र कहते हैं, इसमें धनात्मक में आपका आरंभ में सीखने की गति मंद होती है बाद में तीव्र होती है, इसमें अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा वृद्धि होती है। तीसरा होता है मिश्रित वक्र यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व, इसे सी टाइप और एक्स टाइप भी कहते हैं, जैसे कि प्रारंभ में सीखने वाले, इसमें क्या होता है कि जो वक्र होता है वह न सीधे जाती है, एक ऊपर नीचे किसी भी शक्ल का ले सकती है, यानी कि जो वह प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव और सीखे जाने वाली क्रिया और सीखने संबंधी वातावरण की प्रकृति पर आधारित होता है, यानी कि यह घटता बढ़ता हुआ किसी भी प्रकार की शक्ल ले सकता है। इस प्रकार सीखने के वक्र कितने प्रकार के हैं, ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र, धनात्मक प्रगति सूचक वक्र, मिश्रित वक्र। तो ऋणात्मक को उत्तल वक्र भी कहते हैं और धनात्मक को अवतल वक्र भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है, तो आप सबको पता है फ्रॉबेल है, कौन है, फ्रॉबेल है, किंडरगार्टन विधि की जन्मदाता फ्रॉबेल है। फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित द्रुतगामी
एवं स्थिर व्यवहार प्रणालियां कहलाती हैं। तो निश्चित द्रुतगामी एवं स्थिर व्यवहार प्रणालियां क्या कहलाती है? निसर्ग कहलाती है। यानी कि टीपी यंग संवेग संपूर्ण व्यक्ति का मूलतः मनोवैज्ञानिक तीव्र उद्देश्य है, जिसमें चेतना, अनुभूति, व्यवहार एवं अंतरंग क्रियाएं सन्निहित होती हैं। नेक्स्ट है मनश्चालित प्रशिक्षण को कहते हैं। तो मनश्चालित प्रशिक्षण को क्या कहते हैं? मानसिक अभ्यास। क्या कहते हैं? मनश्चालित प्रशिक्षण को मानसिक अभ्यास कहते हैं। मनश्चालित प्रशिक्षण ऑडियो मोटर ट्रेनिंग को मानसिक अभ्यास मेंटल प्रैक्टिस कहते हैं। नेक्स्ट है सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका है? क्रो एंड क्रो का। कि सीखने वाले के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे एंड क्या भुला दे। ठीक है। एंड सीखने का कोलसनिक के अनुसार परिभाषा है कि स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदतों, दृष्टिकोणों या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में अनुप्रयोग करना है। नेक्स्ट है सीखना प्रभावित होता है किससे दोस्तों? तो सीखना जो है किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? प्रेरणा से, मोटिवेशन से। यदि आपके अंदर प्रेरणा ही नहीं रहेगी, मोटिवेशन ही नहीं रहेगी, तत्परता ही नहीं रहेगी, तो आप नहीं सीख सकते। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है प्रेरणा से। बुद्धि से भी प्रभावित होता है, बट सबसे ज़्यादा होता है प्रेरणा से। यानी सीखने में प्रेरणा का सबसे अधिक महत्व है। सीखने में प्रेरकों का होना अत्यंत आवश्यक है। स्टीफन ने लिखा है कि शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनमें प्रेरणा समतः सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञानिक सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है दोस्तों? तो यह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होगा। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक होगा? तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होगा। यानी शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है जो शिक्षण और अधिगम समस्याओं का अध्ययन करके सीखने वालों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करता है तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षक के कार्य में सहायता करता है। नेक्स्ट दोस्तों अंतःदृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइड थ्योरी किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो आप सबको पता है यह किया था कोहलर ने। किसने किया था? कोहलर ने। यानी कि सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दीमान कोहलर कुपका है। बट इस सिद्धांत को पूर्णाकार और समग्र कृति सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को प्रतिपादक जर्मनी के गेस्टाल्टवादी हैं, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इसका अपना प्रयोग किया। यानी कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के जनक हैं वर्दीमान, बस इस पर प्रयोग सबसे पहले किया कोहलर ने। इसे अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। ठीक है, अब अगला बात करते हैं गामक कौशल यानी मोटर स्किल सीखने का उत्तम ढंग क्या है। दोस्तों मोटर स्किल सीखने का उत्तम ढंग क्या है? अभ्यास यानी प्रैक्टिस। किसी भी चीज़ को सीखने का उत्तम ढंग है प्रैक्टिस। यानी गामक शिक्षा का अर्थ किसी कार्य की दक्षता की प्राप्ति से है जिसमें हरकतें सम्मिलित होती हैं, जैसे तैरना, स्टिक से गेंद रोकना, आगे बढ़ना। गामक शिक्षा के आदि स्रोत रुडोल्फ लावन के सिद्धांत हैं कि गामक कुशलता विकास का स्तर बताती है। मानसिक अभ्यास से गामक कुशलता नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि हम किसी क्रिया को सीखे हैं, दूसरा क्रिया सीख रहे हैं, तो वो उसमें सहायक हो गया, बाधा उत्पन्न करेगा, तो वो आपका सीखने का स्थानांतरण होगा। यानी कि यहाँ पे क्रो एंड क्रो के अनुसार
सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलताओं या और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में उपयोग करना ही प्रायः प्रशिक्षण का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। निरीक्षक कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। तो कक्षा वातावरण में क्या करेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हस्तलेखन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सीखना यानी लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किस पे दोस्तों, सीखना यानी लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन पर। यानी कि एक छोटा बच्चा 2 साल का है, उसको आप कोई चीज़ सिखाएंगे जल्दी नहीं सीख पाएगा, बट एक मैच्योरिटी लेवल पर परिपक्व हो गया है, उसका बुद्धि दिमाग शरीर सब कुछ विकसित हो गया है, उस समय वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। इसलिए सीखना लर्निंग का मुख्य रूप से निर्भर करता है परिपक्वता पर। यानी कि सीखने की क्रिया जीवन भर चलती रहती है और यह सतत प्रक्रिया है, इसके साथ ही व्यक्ति का विकास होता रहता है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी भी विकास की सतत प्रक्रिया है। परिपक्वता बिना किसी विशिष्ट परिस्थितियों जैसे शिक्षा अभ्यास आदि से ही चलती रहती है। व्यवहार में परिवर्तन परिपक्वता तथा सीखने के कारण होता है। परिपक्वता और सीखने में घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि सीखने और परिपक्वता के संबंध में बोरिंग, लॉन्गफील्ड और वेल्ड के अनुसार परिपक्वता का अर्थ उस अभिवृद्धि और विकास से है जो किसी विशेष प्रकार के व्यवहार में सीखने के पहले आवश्यक होता है। इससे स्पष्ट है कि सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक परिपक्वता का होना आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों गहन अध्ययन का घटक है। तो गहन अध्ययन का घटक क्या है, पर्यावरणीय मांग क्या है, गहन अध्ययन का घटक क्या है। तो यहाँ पे पर्यावरणीय मांग यानी जैसे आपका पर्यावरण यानी वातावरण या समय परिस्थिति का मांग होगा, वही आपका गहन अध्ययन है। यानी कि सीखने के प्रमुख घटक हैं प्रेरणा, रुचि, ध्यान, बुद्धि, स्वास्थ्य, विषय का स्वरूप, सीखने की विधियाँ और वातावरण। नेक्स्ट है गहन अध्ययन का थांडाई का नियम क्या है दोस्तों। तो गहन अध्ययन का थांडाई का नियम है, इसमें प्रभाव का नियम क्या हो जाएगा, प्रभाव का नियम। यानी कि थांडाई ने मुख्य 3 नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम। जिसको प्रभाव के नियम को संतोष असंतोष का नियम, गहन का अध्ययन एंड लाभ इफेक्ट, लाभ सेटिस्फेक्शन आदि नामों से जाना जाता है। यानी कि इन नियमों के अनुसार सारी शिक्षा में किसी भी प्रक्रिया को सीखने के लिए विद्यार्थी को तैयार होना चाहिए, तैयार होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा, शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों मॉडल के द्वारा, किसके द्वारा, कोई चीज़ आप मॉडल देख करके आप उसके बारे में कल्पना करते हैं, कल्पना शक्ति का विकास होता है। यानी कि शिक्षण सहायक साधन, दृश्य श्रव्य साधन भी कहते हैं। सहायक साधन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, तस्वीरें, पोस्टर, नक्शे, डायग्राम, फील्ड स्लाइड, चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन रिकॉर्डिंग मॉडल आदि। नेक्स्ट है अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो थॉर्नडाइक ने किया। यानी कि थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, जिसे 3 मुख्य नियम, तत्परता का नियम जिसे तत्परता या माइंडसेट का नियम भी कहते हैं, दूसरा अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसे उपयोग और उपयोग का नियम कहते हैं, करत करत अभ्यास से जन्मत सुजान पर आधारित है, यानी कि तीसरा है प्रभाव का नियम, इसे संतुष्टि या नियम या पुरस्कार दंड का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायता करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सही आंसर टिक कर दिए होंगे आपने, तो सहायता करता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, प्रशिक्षण का स्थानांतरण, क्या कहते हैं, प्रशिक्षण का स्थानांतरण। यानी कि जो पहले सीखे गए ज्ञान से या प्रशिक्षण से कुछ नया सीखना प्रभावित होता है, यही प्रशिक्षण का स्थानांतरण है। अर्थात एक स्थिति में सीखा हुआ हुनर या ज्ञान दूसरी जगह प्रयोग किया जा सकता है, इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और जो
सीखने में बाधा उत्पन्न करे वो ऋणात्मक स्थानांतरण, जो न बाधा उत्पन्न करे न तो सहायता करे उसको कहते हैं शून्यात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है पुरस्कार या दंड सीखने के किस नियम पर आधारित है, तो प्रभाव के नियम को कहते हैं सीखने के थार्नडाइक के सीखने के तीन मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम दिया है, जिसमें पुरस्कार और दंड का नियम प्रभाव के नियम को कहते हैं, यानी कि प्रभाव के नियम को संतोष असंतोष सेटिस्फैक्शन एंड पुरस्कार या दंड का नियम आदि नामों से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से पुरस्कार प्राप्त होता है उसे शीघ्र सीख लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दंड मिलता है उसे नहीं सीख पाते हैं। नेक्स्ट है कक्षा दो के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति आप उपयुक्त करेंगे, तो कक्षा दो का बच्चा है तो उतना छोटा बच्चा के लिए आप क्या करेंगे, वो देख के सीखता है, क्या करता है देख के चीज़ों को जैसा होता है उसी तरह अपना लेता है, यानी कक्षा दो का बच्चा है तो हम उसको वो अनुकरण विधि से सीखेगा, कौन विधि से अनुकरण विधि से, यानी कि कक्षा दो के बच्चे के पीटी सिखाने के लिए अनुकरण विधि में प्रयुक्त उपयुक्त शिक्षा पद्धति माना जाता है। छोटे बच्चे किसी कौशल का अनुकरण या नकल करके जल्द सीख लेते हैं, अनुकरण यानी कि नकल करना। अनुकरण विधि में अध्यापक विभिन्न क्रियाओं जैसे कि डंबल्स पीटी लेजियम आदि का विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शन करता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया, तो चिंपैंजी पर किया, किस पे किया, चिंपैंजी पे किया, बंदर या चिंपैंजी पर, यानी कि सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दिमर कोहलर हैं और कोपका है, तो मुख्य रूप से कोहलर को ही माना जाता है। इस सिद्धांत को पूराकार या समग्र कृति सिद्धांत भी कहते हैं, इस गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट है सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, यह कथन किसका है, तो यह रिपीट हो गया, यह कथन है क्रो एंड क्रो का, किसका है क्रो एंड क्रो का। तो दोस्तों ये था आज के क्वेश्चंस, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए, जिससे अन्य लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।